ऐसे खेलता है हमारे साथ, ऐसे बच्चे का पूरा सामान बाहर निकल रहा है। लगवाने का टाइम हो गया है, स्माइल पे कम बैठे, मतलब इधर मेरी गोदी ने अच्छी नहीं लग रही है कुछ। ये गाजर खाता है खरगोश की तरह। और लड्डू जय करो, ऐसे करो जय। प्लीज सब्सक्राइब। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन अ न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज होना है लड्डू का वैक्सीनेशन और मैं सवेरे सवेरे उठ गया था और मैंने जो इसका फर्स्ट मील है वो भी दे दिया था जल्दी उठ के, क्योंकि वैक्सीनेशन के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद नहीं देना चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो लड्डू क्या कर रहा दिखाता हूँ। लड्डू इधर बैठ गए भाई। लड्डू खा पी के पॉटी करके सुसु करके 10 बार और नौटंकी चल रही है लड्डू की। और ये देखो, ये सोए बड़ी है अभी तक। अरे तो कल हमने पूरी सेवा करी है सुबह सुबह उठ के, आज आपने कर लिया तो क्या, आज अपनी नींद नहीं बेटा क्या खेल खेल के। लड्डू 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 सोए पड़ा है बेटा, आ तो लगेगी सुइया, सुई लगेगी पुंदू में, अब तो जहाँ लगा दे भगवान जाने। भगवान जहाँ लगा दे। मजा आता है वो भी, मजा कुछ नहीं आता, काटेगा थोड़ी देर। नहीं काटेगा, वो ऐसे खेलता है हमारे साथ हमेशा, बोलते लड्डू लड्डू करते हैं, हमको उठा के लेके चले जाते हैं। लगता है हमारे मम्मी लड्डू है। मम्मी लड्डू है क्यों भाई? लड्डू लड्डुआ, ए लड्डुआ किधर जाना? मचल रहा है लड्डू, मचल रहा है घूमने को, खुद जाके नहा लेगा। बदबू मार रहे हो अब तुम एकदम, बहुत ही गंदा, बहुत गंदा बदबू मार रहे हो अब तुम। अब इसको नहलाया जाएगा कल, तुम नहाओगे, तुमको भी रगड़ रगड़ के नहलाएंगे ऐसे, ब्रश से ऐसे वॉशिंग मशीन में डाल देंगे इसको। आओ लड्डू वॉशिंग मशीन में। देखो पैर मारे पड़ा भागने के लिए, इसको नीचे जाना है, इसको नहीं जाने देंगे हम तुम्हें, जा कहाँ जाना है तुम्हें। और यहाँ हमने एक छोटी सी किट तैयार कर ली है, जो भी जरूरत के सामान थे लाइक टिश्यू वगैरह और वो सब, और ये तैयार हो गई है। लाइक जैसे बच्चे का पूरा सामान बाहर निकलने से पहले रेडी होता है। उठा भाई, वो सो रहे हैं, डॉक्टर का फोन आ गया ऑलरेडी। अच्छा, ये भाई साहब यहाँ सोए पड़े हैं, उठ गया वो बेचारा, आवाज से उठ जाता है। आ जाओ चलो, ऐसे उठेगा वो, उठाओ चलो, सुई लगेगी, सुई सुई लगेगी आज तुमको। तो थोड़ा इसको टहला लो, यहीं पे टहला लो अगर टहलाना है तो। नहीं नहीं, मैं ये सो जाएगा फिर पलट के, टहल लो थोड़ा सा, उठा। सुबह इन्होंने कर लिए सब, हम जाएंगे। चलो चश्मा नहीं लगाना इनको, हम सबने लगाया है, इनके भी चश्मा होगा। लड्डू बाबा और लड्डू पांडा, लड्डू पांडा खरे नाम, लड्डू खरे नाम है, लड्डू खरे, लड्डू खरे और लड्डू खरे। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, कुछ नया नया दिखाई दे रहा है मुझे, नई जगह पे थोड़ा सा वो लेता है वो कि क्या है ये, लेता क्या है, फील लेता है अभी एकदम शांत में, वेटलेस फील होता है ना, थोड़ा अलग सा फील होता है। इतना ना सोचते हम लड्डू है, इतना ना सोचते वेटलेस और वो। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं और ये भाई साहब यहाँ पे सो रहे हैं, सो रहे हैं, कुदम कुदी कर रहे हैं, कुदम कुदी। ये इनकी सेकंड कार ड्राइव है नी, पहली वाली में हम इसको लेके आए थे। पहली वाली में जैसे ब्रेक लग रहा था वैसे ही ये दम से जग जा रहा था, क्योंकि ये पेपर के ऊपर फिसल जा रहा था। लड्डू लड्डू लड्डुआ लड्डू पांडा खरे आ रही है, उसको तुमने बीच में नींद से तो उठा दिया तो। अरे तो क्या किया जाए, वैक्सीनेशन तो लगना है अभी, अभी रोएगा ये। सुबह फटाफट पहुँचते हैं और लगवाते हैं इनको सुइया, सुइया लगेगी सुइया। चलो भाई उठो, आ गया समय चलने, आ गए सुई लगवाने का टाइम हो गया, लगवाने का समय आ गया। चलो भाई चलो चलो चलो। लड्डू और लड्डू वेट हो रहा है, लड्डू का कितना वेट है? 2.2 लड्डू। शरारत तो अभी से करना शुरू कर दिया होगा, शरारत तो करता होगा बहुत, ये काटता है, बहुत काटता है ये। फीटिंग स्टेज है ना, इनको टॉय वगैरह सब चीजें आप देते रहिए, टॉय वगैरह हम भी दी रहेंगे, बट इतना भी नहीं, 5 to 6 मंथ तक टॉय नहीं काटता है। अच्छा लड्डू और लड्डू आ करो, वेरी गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, थोड़ा सा डन 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 डन। ये मुझे क्या पिला दिया है, ये मुझे क्या पिला दिया है बेटा, मुझे करो। क्या गंदा गंदा खिला दिया सर, थोड़ा ये भी देखेंगे, ये बैठे तो ऐसे फैल के कम बैठे और स्लिप ना करे घर में, क्योंकि डिस्पेप्सिया वगैरह बड़ा कॉमन है सब बड़े ब्रेड में, थोड़ा सा जब बैठे ना तो इस तरीके से बैठे या ऐसे पूरा लेट के बैठे ऐसे, मोस्टली तो इसको लेट के बिठा देते हैं। हाँ पैर ऐसे फैला के ना
उस तरीके से ना बैठे। इसका पैर एक साइड कर देते जब ये लेटता है। पाउडर नहला के ऐसे ही लगाते। ये तो देखिए अभी बाथरूम तो करना नहीं है, ये ड्राई बाथ है, फोम जैसे अपना शेविंग फोम हो। वही दांत ये ज्यादा सही लग रहा है, ये रबड़ वाला। हाँ ये इसे मजा आएगा। प्लास्टिक वाले तो हमने कई दिए, उसे समझ में नहीं आ रहा उसे रबड़ वाली चीज कुछ चाहिए। दोनों ले लो, ले लो दोनों ले लो, काटने में लगा हुआ है। तो अभी तो इनकी डी वार्मिंग हो गई है और जो नेक्स्ट वैक्सीन है वो लगेगी 22 तारीख को। तो अभी सुई से तो बच गए क्योंकि जो डी वार्मिंग थी वो मुंह में ही डाल दिया था दवाई। अभी सुई का एक्सपीरियंस मिलेगा इनको अगले वाले में। क्यों भाई लड्डू चले लेट्स गो। ओ भाई कूद के ये बैठ गए इनके इनके गोदी में, मतलब इधर मेरी गोदी इन्हें अच्छी नहीं लग रही है, कूद के उधर चले गए। क्यों लड्डू भाई, लड्डू चलाने देगा ये? आ जाओ, चलो आ जाओ इधर, पापा को गाड़ी चलाने दो, चलो चलो आ जाओ। कहना हम तो यहीं बैठेंगे, हम तो यहीं बैठेंगे। लड्डू बाहर आओ भाई साहब, चलिए चलिए भाई, चलो चला हाँ उठा। क्यों भाई, क्यों भाई भाई, लड्डू तो आके सो गया है। क्यों भाई लड्डू लड्डू सो रहे हैं आके। लड्डू याद कर रहा था अपनी मम्मा को, ऐसे सोते सोते में कर रहा था हो जैसे, तो मैंने से अभी इसको वो भी करना है, ड्राई वॉश करना है, ड्राई नहलाना होना है, ड्राई नहलाना है। सारा काम वाम ठप करा दिया इन्होंने, सुबह से इन्हीं का काम हो रहा है बस। अब दो दूसरा दिन है, दूसरा ही तीसरा है, दूसरा मतलब वैसे तो तीसरा दिन है आज, लेकिन कल का पूरा दिन बीत गया और अभी मैं नहा ही नहीं हूँ, मुझे पूजा करनी है और 11:30 बज चुके हैं। इसके चक्कर में ना कोई काम नहीं हो रहा है, बस हम इसी को देखते रहते हैं और इसकी जो और इसकी वजह से सुबह जल्दी उठना भी हो रहा है। वैसे नहीं तो हम उठते ही नहीं थे क्योंकि डॉक्टर के ले जाना था, उसके पहले फीड कराना था, फिर बाहर इसको घुमाया हुआ या सब कुछ, और 2-3 दिन से मेरा तो पूरा काम ठप है ना, मेरी एक भी रील जा रही है ना, कोई वीडियो शूट हुआ है, सारा बस सारा टाइम यही ले जा रहा है। तो गाइस अब हम कर रहे हैं लड्डू का ड्राई वॉश। लड्डू को अभी नहलाना नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है, तो इसका ड्राई वॉश करेंगे। थोड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो ये मैं लेके आया हूँ ड्राई शैम्पू, तो फटाफट इसको लगाएंगे। तुम सब खा लो, मुनिया गंदा, हाथू गंदा, सब कुछ गंदा। खाता है खरगोश की तरह, कुत्ता छोड़ के सब है, पांडा है, बिल्ली है, खरगोश है, सब है, कुत्ता छोड़ के सब है। अभी इनका ड्राई वॉश हो गया, अब इनका करेंगे ब्रशिंग ताकि इनका फर सही हो जाए। खरगोश की तरह गाजर खाने में लगा हुआ है, दिखने में ये पांडा है, खाने में ये खरगोश है। हरकतें इसकी बिल्ली की है, हरकतें इसकी बिल्ली वाली है, कुछ डॉग जैसे कुछ नहीं है भाई, और सोता पांडा की तरह है। इसको बड़े मजे आ रहे हैं, देखो ये देखो मजे से ब्रशिंग करा रहा है, अब इसे लग रहा है खेलने की चीज है। तो गाइज एक चीज हमने आज और सीखी है, वो ये है कि इन भाई साहब को एक बार में एक ही खिलौना हमें देना चाहिए। डॉक्टर ने बोला ना कि इसे एक बार में कई सारे खिलौने मत दो, तो हमने इतने सारे खिलौने इसके लिए लिए हैं, बट हम इसे सिर्फ 2 खिलौने देने वाले हैं, बाकी सब हम हटा देंगे ताकि जब ये खेले तो इसे मजा आए। और इस समय इनको ना चबाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो हमने एक इनके लिए ये नया ले आए हैं, अभी बाद में देंगे ये, अभी ये उसके साथ खेल रहा है, उसे मजा आ रहा है, और ये बहुत टाइट सा है, इसके साथ इसे मजा आता है, और ये तो आवाज करते हैं तो ये इनके साथ खेलता नहीं है पता नहीं। तो इसे ऐसा तो चाहिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस तरीके के सामान जो है ना आप कहीं टांग दो, जैसे मैंने इसे ना कहीं टांगा हुआ है एक जगह, तो ये क्या करता है इसी से ऐसे खींचता है, तो इसे बड़ा मजा आता है, तो इसे ऐसे खींचने वाली चीज चाहिए। ये सुसु पॉटी वाला पैड होता है इसका, तो हमने क्या किया है
इसे यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया और इसकी आदत हम सिखा रहे हैं कि जब भी ये कमरे से निकल के आए तो यहीं पे सुसु करे और कहीं और ना करे। और अभी पॉटी के लिए तो देखो कहीं जा नहीं सकता ये, क्यों जी? हाँ, क्योंकि जब तक इसका सारा वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना, तब तक हम इसको नीचे नहीं ले जा सकते क्योंकि इसको वायरस वगैरह लग सकता है। सो तो सब होगा। इसके बाद ये हम ड्राई शैम्पू यूज कर रहे हैं और इसकी मेडिसिन भी हम ले आए हैं। एक ये पाउडर है एंटीटेक, तो अगर टिक वगैरह हो जाता है तो आप यूज कर सकते हो। अगर किसी के पास पेट है तो वो यूज कर सकता है। उसके बाद डॉग फूड है और भी ढेर सारा सामान है। और हमने एक बड़ा सा बेड भी मंगाया था इसके लिए, गुलगुला। हाँ, गुलगुला सा बेड, जिसको जो इसको अभी ये अभी एडजस्ट नहीं हुआ है उसके साथ। हाँ, उसके साथ कभी कभी सोता है। और भी अभी हम ये तो सब इनिशियल अभी मंगाया हमने, जैसे जैसे अभी नीड आ रही है तो हम चीजें मंगाते जा रहे हैं। बहुत सारा सामान अभी आ रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन। मजे से इसने ड्राई शैम्पू कराया है और मजे से ब्रशिंग करा रहा है, करा रहा है, मजा आ रहा है इसको। सो गाइस, अगर आप लोग भी कोई इनमें से टॉय है या बेड है या पैड से या ये इस तरह का ब्रश वगैरह है, आपको भी अगर परचेज करना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ऑनलाइन की तो मैं लिंक डाल दूंगा, ऑफलाइन आप अपने आसपास के किसी स्टोर पर देख सकते हैं। तो आपको चाहिए हो तो आप ले लेना, लिंक हम डाल देंगे आपके लिए, सबकी हेल्प हो सके। अगर आपके पास पपी है तो नहीं, लड्डू साहब और लड्डू लड्डू तो राजा बेटा बन गया। अब नहा धो के गंदी गंदी नहीं रहा, अब नहा धो के राजा बेटा बन गया है। अब ये महक रहे हैं बढ़िया खुशबूदार, फर भी चमक रहा है इसका। क्यों लड्डू, मजा आया नहा के? अन्ना अन्ना कर लिया। इसकी आवाज हम लोगों ने एक कई दो बार सुनी है, हस्की का नेचर रहता है ना, ये भौंकते कम है। तो कहा तीन चार बार ही तो अपन ने जब से आया है, छोटा भी है तो और तीन दिन। अरे छोटे पपी भी बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, ये इनका नेचर रहता है, ये कम भौंकते हैं, ये आउल करते हैं, हॉल आउल आउल करते हैं, आउल आउल बोलते हैं कि ये मतलब जो हस्की ब्रीड आई है ये भेड़िए से वो आई है, इनके जो एंसेस्टर थे हजारों साल पहले, अच्छा वहाँ से आई है। लगते भी तो थोड़े से वैसे ही है, ये भेड़िया टाइप लगता है। भेड़िया देख लो, पापा तुमको भेड़िया बोल रहे हैं। भेड़िया हमारा छोटा सा भेड़िया हमारा छोटा। और पूरा टाइम भाई साहब खा रहे हैं हमारे से, फिर साथ इवन हम लोग जल्दी उठना शुरू कर दिया। अब हम लोगों ने तो सब सामान आया हुआ है इनका सारा ए टू जेड। चलो कान साफ कराओ। इनके कान में ना कभी पानी नहीं डालना चाहिए, गीला कुछ नहीं, आराम से हल्के से। देखो शांत तो हो गया एकदम। तो भाई अब हो रहा है लड्डू का खाना तैयार, और इसको मैं यहाँ पे सेरेलेक दे रहा हूँ, अभी सेरेलेक डाइट पर है ये, और इसमें हम देंगे डेढ़ स्कूप सेरेलेक मैं डाल दिया है, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पनीर, थोड़ा सा मैं पनीर भी दे रहा हूँ इसको, स्टार्ट कर दिया है, और एक टाइम पे दही भी देता हूँ भाई, तब थोड़ा सा पनीर मैंने इसमें डाल दिया है। तो खाना आ गया इनका और ये तैयार हो गया। आ जाओ बेटे, इसको सुगंध आ गई, सुगंध आ गई इसको। इसे सुगंध आ गई, मजा आ गया इसको। अब खाएगा ये, चट करके खाएगा पूरा ये भाई साहब। नहा धो के खा पी के सुसु प्लस पॉटी जॉइंट पैकेज सब कुछ कर कर आके आराम से सो गए हैं। बेड तो इनको रास आता नहीं है, बेड बेचारा इनका खाली बड़ा रहता है, पर ये भाई साहब यहाँ पे आराम से मानसी के कुर्सी के नीचे सोते रहते हैं। तो अभी फर्स्ट टाइम इनको नहला कर धुला कर आरती दिलवाई जा रही है, ताकि भगवान का आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे। चलो जय करो, जय जय करो, ऐसे करो, जय जय करो, जय जय भगवान जी, जय भगवान, जय करो, जय 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 करो, जय भगवान जी, जय। धागा बांधे, धागा बांधे, बेटू को धागा बांधे, ताकि नजर ना लगे, तुझको धागा बांधे। तो अभी लड्डू का इवनिंग मील तैयार हो गया है, 2 स्कूप सेरेलेक प्लस दही, और ये रेडी है फीड करने के लिए। आ जाओ इसको अंदर देंगे इसकी जगह पे। आ जाओ लड्डू का। देखो कैसे कूदते हुए भाग रहा है, इसको महक लग गई, इसको महक लग गई, इसको महक लग गई। लड्डुआ ऐसे बिल्ला लगता है, सीधा ऐसे देखो बिल्ला लगता है पूरा, आगे से पांडा पीछे से बिल्ला, डॉगी की तरह से लगता है ये। भाई सभी इसने आखिरी खाना खा लिया है आज का, और खाना खाने के बाद ये सीधा खुद ब खुद बाहर आता है, और बाहर आने के बाद जैसे इसने पॉटी करी उसके बाद शीशे पे हाथ मारना शुरू, ये देखो देखो, और थोड़ी देर जब ये नहीं खोलोगे ना तो ये आपके पास ऊपर चढ़ने को भी ऐसे कर लेगा। आज कल जाना है अंदर, और अंदर जाने का कोई रीजन नहीं है इसका, अंदर करना भी तो क्या है, कुछ नहीं। सो नहीं है, काटना है चीजों को, ये आलसी ना हो जाए, इसको कुदाना पड़ेगा, पता चला
खाए पिए हगे और सो गए बस, और कोई काम नहीं दूसरा और कोई दूसरा काम नहीं। चलो इनको ऐसे दौड़ाना पड़ता है, हमें उठा के इन्हें यहाँ रखना पड़ता है ताकि दौड़ के ये जाए। जाओ जाओ दौड़ के जाओ, जाओ। ये और इसको जाना है यहाँ से अंदर, फिर यहाँ से अंदर जाएगा। ये जाने वाला है फरीदाबाद, कल ये पहली सैर पे निकलेगा और इसको दीदी के यहाँ लेके जाएंगे कल फरीदाबाद। कल अपनी दादी, बुआ नहीं, बुआ ही तो, हाँ बुआ सबसे मिलेगा, चाची, ताई जी, ताऊ जी, ताई जी, कजन, कजन से, कजन से मिलेगा। तो चलो गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। ये महाराज जी तो लड्डू भैया अपने खाना पीना खा के अब थोड़ा ये काटा कूटी करेंगे चीजों की और रात सोएंगे। चलो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बोल दो, बाय बाय, लड्डू बाय बोलो, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज।